सरोकार। भाजपा ने जारी किया लोक कल्याण संकल्प पत्र, उत्तर प्रदेश को देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों से की अपील, कहा अपनी पार्टी में रहे लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को दे। बीजेपी के घोषणा पत्र पर सपा प्रमुख का निशाना, कहा महिलाएं हाथरस और जनता कोरोना नहीं भूलेगी। रणजी में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या, बड़ौदा ने घोषित की टीम। कोरोना के 67,597 नए मरीज मिले, पिछले 24 घंटे में 1188 लोगों ने गंवाई जान। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। एक और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख रखने का दावा कर रही है, तो वहीं उसके कुछ अधिकारी ही भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जहां हरदोई जिले के कोथामवा ब्लॉक के धरौली गांव में भ्रष्टाचार का एक अजब निर्माण देखने को मिला, जहां मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली गांव के भीतर की ईंट के खड़ंजे को घटिया सामग्री से निर्माण किया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां पर विधानसभा मलियाबाद से 2022 के विधानसभा चुनाव में दावेदारी कर रहे सपा प्रत्याशी सोनू कनौजिया पूरे जोश के साथ उतर चुके हैं। अपने क्षेत्र का विकास करना है, मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है और उचित संसाधनों की व्यवस्था करनी जैसे उनके कई मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी पैठ बना रहे हैं। इसी पर हमारी प्राइम टीवी की टीम ने सोनू कनौजिया से खास बातचीत की, आप भी देखिए। 2022 का विधानसभा चुनाव सर पर आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इस वक्त हमारे साथ मलियाबाद से सपा प्रत्याशी सोनू कनौजिया हमारे साथ पर हैं। उनकी क्या रणनीति रहेगी, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको मौका मिला है मलियाबाद से अपनी दावेदारी पेश करने का। धन्यवाद आपकी प्राइम टीवी को। सर बाकी है कि आप जैसे जिस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतरने वाले हैं? भाई हमारे क्षेत्र में सबसे पहले तो हमारे पार्टी का मुद्दे हैं, मुद्दा सबसे ज़्यादा बिजली फ्री जी। आप देख रहे होंगे लोग बिजली के बिल से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अभी आपने देखा होगा 4.5 साल भाजपा सरकार रही जिसने कितना पैसा बिजली में खा लिया, आपने देखा होगा। आप बता रही है कि नहीं आधा बिल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा इसका मतलब लगातार पैसा खाती रही। लेकिन हमारी सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली फ्री, इससे ज़्यादा लोग बिजली बहुत कम लोग जलाते थी, इतनी जलती है। तो ये मुद्दा रहेगा हमारा, पुरानी पेंशन को लेकर रहेगा। और आपने देखा होगा पिछली 5 साल पहले हमारी सरकार जब रही तो मलियाबाद क्षेत्र में एक मंडी का निर्माण हुआ था जिसमें जो आज तक के उद्घाटन उसका नहीं हुआ है। और उसमें आपने देखा होगा किसान का, व्यापारी का, सभी का हित है। और हमारे क्षेत्र में एक मलियाबाद में अमानीगंज के पास जिससे काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, जो पुल का निर्माण है, क्योंकि हमारे हम लोग जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम लोग पुल का निर्माण कराएंगे। और हमारे क्षेत्र में महिला विद्यालय नहीं, एक डिग्री कॉलेज जिससे हमारी बेटियां बहनें परेशान रहती हैं, उनसे सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत होती है और हम लोग उस पर काम करेंगे। और क्षेत्र में समझ लीजिए सड़कों का हाल ये 5 साल से वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है, चाहे सड़क हो, नल हो, पानी हो, कोई भी किसी प्रकार का। और किसान भी आवारा, जानवरों से परेशान है, वो भी कोई सुविधा नहीं है। तो इन मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में काम करने के लिए निकल रहे हैं। बाकी सर जिस तरीके से बोला जाता है, जो मौजूदा सरकार बोलती है कि पहले की सरकार में 2017 से पहले सपा सरकार में कोई भी काम नहीं हुआ और अब काम हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो पूरी मीडिया जानती है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा लखनऊ जानता है, सब जगह आप देखें, पूरा मलियाबाद भी जानता है कि अगर मंडी का मलियाबाद में निर्माण हुआ तो सपा सरकार में हुआ, अगर इकेना स्टेडियम बना तो वो वहाँ हुआ, बगल में आपके आगरा एक्सप्रेस वे है वो भी सपा सरकार में हुआ। एक भी कोई ऐसा काम नहीं है जो भाजपा सरकार में हुआ, और सारे काम जो हैं सब सपा सरकार में हुए पहले। अब चाहे सड़कों का जाल हो तो वो भी सपा सरकार में बिछा था,
इस भाजपा सरकार में कोई काम नहीं हुआ सर। और बाकी ये चीज़ है कि अभी मौजूदा सरकार ने कई पोस्टरबाजी भी की थी, जो पोस्टरबाजी में उन्होंने काफ़ी चीज़ें दिखाई गई थी कि 2017 से पहले की तस्वीरें ये थी और 2017 के बाद अब ये तस्वीरें हैं, पर वो यही बोलती है कि उन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की है, आप लोगों ने जो जब सपा सरकार थी तब उन लोगों ने सिर्फ जुमलेबाजी की है और कोई भी विकास कार्य नहीं किया, जो विकास कार्य है वो मौजूदा सरकार में हुआ है। उनकी देखिए झूठ की सरकार है, केवल झूठ पे चल रही है, उनका उनका पोस्टर छपवाने से थोड़ा कुछ होता, तो जनता जान रही है किसने काम कराया था, ये भी जान रही है कि भाजपा ने कुछ नहीं कराया, जनता को सब मालूम है। और ये बदलाव होने वाला, जनता मन बना चुकी है भाजपा को विदा करने का, अब वो समय आ गया, जनता अपने हक का उपयोग करेगी और भाजपा को बाहर करेगी। बाकी मैं चाहूँगी कि प्राइम टीवी के माध्यम से आप एक क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे। प्राइम टीवी से मैसेज देना चाहते हैं कि आप सब माननीय अखिलेश यादव जी की को 2022 में मुख्यमंत्री बनाइए और अनेक योजनाएं उनकी हैं जो चल रही हैं और आपने देखा होगा काफ़ी उन्होंने जो वो कहते हैं वो करते हैं, बस आप 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट दें, चाहे मलियाबाद विधानसभा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी किसी भी सीट पर माननीय अखिलेश यादव जी को वोट देकर विजय बनाए, मुख्यमंत्री बनाए। जो हमारे साथ मलियाबाद से सपा की दावेदारी कर रहे सोनू कनौजी हमारे साथ थे, जिन्होंने विकास के मुद्दों पर बात की है, उन्होंने कहा है कि बिजली उनका मेन अहम मुद्दा रहेगा, बिजली फ्री करने की उन्होंने आगे की रणनीति बनाई हुई है। अब देखना ये होगा कि 2022 में मलियाबाद से कौन अपने को विधायक बना पाता है। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी लखनऊ। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज विधानसभा से घोषित मित्र संघ के प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मित्र संघ के नेता और कार्यकर्ता में काफी उत्साह भी देखा गया। पूरे विधानसभा में ये स्वागत समारोह हुआ है। मित्र संघ से घोषित प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव ने इन्हें डुमरियागंज विधानसभा से टिकट देकर मैदान में उतारा है। संगठन है मित्र संघ, जो बरसों से डुमरियागंज के क्षेत्र में किसानों के लिए, असहायों के लिए तमाम सामाजिक कार्यकर्ता चला रहा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण किया था, राजनीतिक क्षेत्र में मैंने काम किया। मुझे 2007-08 में राज्य मंत्री का दर्जा रहा और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मैंने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है और मैंने निश्चित किया है, मित्र संघ संगठन ने तय किया, जो डुमरियागंज क्षेत्र में जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है 5 सालों के अंतर्गत। सिद्धार्थनगर में नामांकन के चौथे दिन सपा प्रत्याशी सईदा खातून ने पर्चा दाखिल किया है। सईदा खातून समाजवादी पार्टी से 306 डुमरियागंज विधानसभा की प्रत्याशी हैं। सपा के डुमरियागंज सीट से प्रत्याशी सईदा खातून ने नामांकन किया है। नामांकन के बाद समर्थकों ने जय अखिलेश जय सईदा के नारे भी लगाए। हमारे मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य और लोगों की जो व्यवस्थाएं नहीं, कानून व्यवस्थाएं यहाँ पे चुस्त दुरुस्त नहीं है, उसको भी दुरुस्त करना है और क्षेत्र में जो विकास रुका हुआ है उस विकास को करना है, यही हमारी सोच है। और वहाँ डुमरियागंज की जनता बिल्कुल तैयार है कि 10 कब आएगा 3 तारीख और कब हम लोग वोट करेंगे, इसलिए कि बदलाव चाहते हैं। पिछले चुनाव में जो 171 से हराया गया उसकी 30 अभी तक लोगों के अंदर है। हमारे यहाँ हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, जनता वहाँ की। अयोध्या के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में एक 14 साल के किशोरी का शव कुएं में मिला है, जिसकी सूचना से गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया है। इस मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कुएं में तलाश करके किशोरी का शव बाहर निकाला। शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसके परिवार की एक लड़की जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष थी वो घर पर नहीं मिल रही है और गांव के बाहर करीब 500 मीटर दूर एक कुएं के पास उसका चप्पल और स्वेटर ये रखा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची, जानकारी में बात सामने आई कि उसकी माँ और भाई वो एक दिन पूर्व कहीं निमंत्रण पर गए हुए थे और जब 7 तारीख को सुबह वो लौटे
तो घर पर बालिका नहीं मिली। उन्होंने तलाश शुरू की और जब कुएं के पास उनको चप्पल और स्वेटर देखा तो इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने गांव और स्थानीय लोगों की मदद से कुएं में से तलाश कराया, वहां से बालिका का शव प्राप्त हुआ, उसको पुलिस ने कब्जे में लिया, पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई। पिछले कुछ दिनों से चल रहे कयासों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने एक बार फिर सिकंदरपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक संजय यादव पर भरोसा जताया है। बलिया सिकंदरपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक और प्रत्याशी संजय यादव ने नामांकन भरा और कहा कि मुझे 2017 में भी जनता ने जिताया था और 2022 में भी जनता मुझे जिताएगी। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से 2017 के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई है, पूरे प्रदेश में अमन चैन है और पूरा उत्तर प्रदेश एक बदले हुए स्वरूप में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। विकास पूरे प्रदेश में हो रहा है। लोगों की जो भी आकांक्षा है, जो भी उनकी आवश्यकता है, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम हमारी सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किया है, जिसका लाभ निश्चित रूप से हमको इस चुनाव में मिलने जा रहा है। सर, कितना लाभ मिला है तो फिर सुरेंद्र सिंह विधायक जी का जो है टिकट कटना और जयशंकर सिंह को यहाँ लाना, ये कितना पैसे और हमारा शुक्र को देखिए। देखिए, पार्टी के सभी लोग कार्यकर्ता हैं, जिस कार्यकर्ता की जब आवश्यकता होती है पार्टी उसको जनता के बीच में भेजती है। पार्टी का निर्णय है, पार्टी के निर्णय के साथ सभी कार्यकर्ता हमारे एक साथ। सुरेंद्र सिंह विधायक जी आप लोगों को खड़े नहीं करने, पिछली बार उनको इसलिए लड़ाया था ना 2000। पार्टी का एजेंडा क्या है कार्यकर्ता? सुरेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया। पार्टी का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास का एजेंडा है। उत्तर प्रदेश को कैसे हम पूरे देश में पहले स्थान पे पहुंचाएं, यही हम लोग की सरकार। खबर देवरिया से है, जहां पर पथरदेवा विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे युवा नेता पवन शर्मा का टिकट काट कर महिला सीट आरक्षण को दे दिया गया है, जिस पर पवन शर्मा ने बताया कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही निर्णय है और वो अंबर जहां को भरपूर समर्थन दे रहे हैं क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए, ये तो पार्टी ने जो निर्णय लिया, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय लिया है पार्टी ने। और यहाँ से पथरदेवा विधानसभा से जो अंबर जहाँ जी को टिकट दिया, एक महिला को टिकट दिया, जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी कह रही थी कि हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को राजनीति में लाना है, तो मुझे लगता है जो निर्णय पार्टी ने किया वो बहुत अच्छा किया और मैं पार्टी से खुश हूँ। देखिए, मैं विधानसभा पथरदेवा से हमको टिकट मिला है, बहन प्रियंका गांधी ने हम पर विश्वास किया है और हमको अपने उनको जैसे सम्मान हमको आगे बढ़ाना है। और मैं जैसे गांव-गांव में जा रही हूँ, सब लोग जैसे ये कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस को आगे लाना है और प्रियंका बहन ने जो योजना की है उस पर हम लोग डिपेंड कर रहे हैं कि हम लोग साथ से कदम मिलाकर चलेंगे और उनको आगे लाएंगे। महंगाई ज़्यादा हो गई है और जो 40% औरतों को वो बोली हैं उस पर सब लोग खुश हैं कि कम से कम हम लोग को इतना तो जैसे सुविधा दी है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्षेत्र में जैसे घूम रही हूँ तो सब। खबर मथुरा से है, जहां गोवर्धन में परचून की दुकान पर छापेमारी के दौरान अधिकारी ने मीडिया कर्मियों से अभद्रता की। वहीं छापेमारी के दौरान मीडिया कर्मियों ने अधिकारियों से पूछा कि ये विभाग की कार्रवाई है। बस इसी सवाल पर अधिकारी ने बोला कि मीडिया की माइक आईडी 100-100 रुपए में बिकती है। संभल में चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम ने जनसंपर्क करते हुए जनता का साथ मांगा। इस दौरान मरगूब आलम ने जनपद से लोगों से कहा कि इस बार सभी को वोट समझकर जनता को अपना वोट विकास के लिए देना है। आगे उन्होंने कहा कि असमोली में बीते 10 सालों से एक ही पार्टी के विधायक ने राज किया है, जिसके बावजूद आज भी असमोली विधानसभा की जनता विकास के लिए तरसती है। खबर फतेहपुर से है, जहां बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी के पहले दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में डीसी अशोक त्रिपाठी के साथ राधेश्याम दीक्षित ने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से एआरपी आशीष त्रिवेदी और अनविंद यादव के साथ सैकड़ों की संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।